बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रॉम स्टार न्यूज़ एचडी और मैं हूं सुमल ज़िया। अहम खबरों से आपको आगाह करते हैं और आपको बताते हैं। खैरपुर टामेवाली से चीफ रिपोर्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक रसूल मकबूल ने वो अजीम इनकलाब बरपा किया जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। अक़वामे मुत्तहिदा का आलमी चार्टर उन्हीं के मिसाक मदीना से माखूज है। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वजीर आपाशी मियां काजिम अली पीरजादा की नुमाइंदगी करते हुए सदर मुत्तहिदा मरकजी अंजमन ताजरान मियां तजम्मल हुसैन कादरी मेहमान खसूसी ने जश्न मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में किया। उन्होंने कहा कि रसूल आखिरुज़्ज़मां की नबूवत के आफ्ताब आलम ताब ने न सिर्फ सहराए अरब के अंधेरों को दफन किया बल्कि पूरी कायनात को इंसानियत के उजालों से मुनव्वर कर दिया। उनकी शरीयत और सीरत ही आज के कौमी बैनुल अक़वामी मसाइल का हल है। प्रिंसिपल डॉक्टर अरीबा आथर ने कहा कि यूरोप भी अपनी सारी असबियतों के बावजूद रसूल करीम को कायनात की सबसे अजीम हस्ती तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है। इस्लाम इस वक्त वहाँ सबसे ज़्यादा फैलने वाला मजहब है। तकरीब की मेहमान एहसास मैडम सबा रियाज फोकल पर्सन ज़िला बहावलनगर ने कहा कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा खालक कायनात की सबसे पसंदीदा हस्ती हैं जो आखिरी नबी के तौर पर क़यामत तक पूरी इंसानियत की रहनुमाई फरमाते रहेंगे। उन्होंने कुरान की सूरत में जो मिसाली निज़ाम राज किया उससे बेहतर कोई निज़ाम पेश नहीं किया जा सकता। हमें अपनी नई नस्ल को इश्क इलाही और इश्क रसूल से सरशार करना होगा ताकि एक हकीकी इस्लामी मुआशरा तश्कील पा सके। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी बड़ी ज़ुबानों में हजूर की शौकत और अजमत पर अदब तख्लीक किया गया है। उर्दू अदब में नात इसी हवाले से एक मुनफरद असासा है। जश्न मिलादुन्नबी इन्हीं जज्बात अकीदत का एक अक्स जमील है। स्पेशल बच्चों ने नात रसूल मकबूल अपनी सुरीली आवाज़ों में सुनाकर सामईन के दिलों को मुनव्वर किया। इस मौके पर मोहम्मद इकबाल बेबरस, साजन मियाँ, नईम अब्बासी, इकबाल रेशम, तस्लीम नवाज, अजहर करीम, दिलशाद फजल, अतीकुर रहमान, इकबाल रेशम समेत तमाम स्टाफ मौजूद था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें क्राउन स्टार न्यूज़ एचडी।